उदयपुर में चाकूबाजी की वारदात के बाद अभी भी शहर में तनाव जारी है और आज भी उदयपुर में इंटरनेट सेवा बंद रखी गई है। इंटरनेट पर यह बैन रात 10 बजे तक रहेगी। उदयपुर के स्कूलों में किसी भी तरह के चाकू या फिर कैंची जैसी कोई भी धारदार या नुकीली चीज लाने पर पाबंदी लगाई गई है। 17 अगस्त को अगले आदेश तक स्कूलों को और कॉलेजों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस बीच उदयपुर नगर निगम उस मकान पर बुलडोजर चला चुकी है जहां पर आरोपी रहता था। नगर निगम का दावा है कि यह जमीन वन विभाग की थी जिस पर अवैध तौर पर यह घर बनाया गया था। जिस लड़के को चाकू मारा गया था उसकी हालत बहरहाल स्थिर बताई जा रही है। कन्हैयालाल हत्याकांड के 2 साल बाद उदयपुर में शुक्रवार को 2 बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था और इस झगड़े के बाद एक छात्र ने दूसरे छात्र के ऊपर चाकू से हमला कर दिया था। दोनों ही 10वीं के छात्र हैं। हालांकि उसके बाद घायल अवस्था में छात्र को अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन इस बीच में यह खबर फैली थी कि छात्र की मौत हो गई थी, जिसके बाद उग्र भीड़ ने आगजनी की थी। पूरे शहर में हिंसा हुई थी, प्रदर्शन हुए थे। दोनों बच्चे अलग अलग धर्म से ताल्लुक रखते हैं। आरोपी नाबालिग है जो हिरासत में लिया गया है, उसके पिता को गिरफ्तार किया गया है। उदयपुर के डीएम अरविंद पेसवाल ने लोगों से अफवाह पर ध्यान ना देने की सलाह दी है और साथ ही शांति बनाए रखने की अपील की है। बच्चे को अच्छे से अच्छा इलाज जो है वो दिया जा रहा है और बच्चे की हालत भी में भी सुधार हुआ है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों ने, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे भी अफवाह फैली कि बच्चे की मृत्यु हो गई है, तो इस तरह की मैं आप सबके माध्यम से सभी से आग्रह करता हूँ कि ऐसी कोई भी अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि आपकी एक अफवाह जो है हमारे शहर में शांति खराब कर सकती है। और इस तरह के लोग जो इस समय का लाभ उठा के माहौल को खराब कर सकते हैं, उनसे हमें बचने की सख्त आवश्यकता है।